हेलो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 20, टेक आउट लेसन नंबर 4, एनिमल्स इन ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मेनी एनिमल्स लाइव इन ग्रुप्स, द लाइव एंड हंट फॉर फूड टुगेदर। हमने देखा है कि बहुत सारे जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो शिकार करते हैं वो ग्रुप में करते हैं या समूह बनाकर करते हैं। सम एनिमल्स लाइव इन स्मॉल एंड सम लाइव इन बिग। आपको पता है कि कुछ जो झुंड होते हैं जानवरों के, छोटे होते हैं, कुछ जो बड़े झुंड होते हैं उसमें, जैसे आप एलिफेंट, जेब्रा, हॉर्स, बफेलो, इनके झुंड जो है आप देख सकते हैं। एनिमल्स मेंटेन देयर ग्रुप फॉर द फॉलोइंग रीजन। इस रीजन से कुछ जो पॉइंट यहाँ पर देके रखे हैं, ये ग्रुप बनाते हैं हंट इफिशियंटली, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एनर्जी के साथ, अपनी ताकत के साथ वो मिलकर शिकार कर पाए, इसलिए वो झुंड में रहते हैं। केयर फॉर देयर बेबीज, एक दूसरे के बच्चों की सुरक्षा हेतु भी जो जानवर हैं वो झुंड बनाते हैं। कंपेनियनशिप मीन्स भाईचारे की भावना भी एनिमल्स में होती है ना। तो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेन एनिमीज, जो है एनिमीज जो हैं उनसे बचने के लिए भी वो आपस में झुंड बनाकर रहते हैं। गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए विच समूह में रहना पसंद करते हैं। द ग्रुप मे नॉट बी परमानेंट बिकॉज इज ऑलवेज ट्रांसिशन इन टू और आउट ऑफ द ग्रुप। कभी कोई ग्रुप में और एनिमल आता है, कभी कोई आता है, कोई जाता है ना, तो इस टाइप से वो ग्रुप में अदला बदली करते रहते हैं। और कुछ जो हैं दूसरे एनिमल्स से अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए खुलते रहते हैं। लेपर्ड एंड पोलर बेयर लाइव अलोन। लेपर्ड और जो पोलर बियर हैं ये अलग अकेले रहना पसंद करते हैं। बिहेवियर पैटर्न की बात करते हैं, तो कुछ जो बिहेवियर एनिमल्स के होते हैं वो शाय होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं, है ना। व्हेन वी गो नियर टू देम, अगर हम उनके पास में जाते हैं तो कुछ जो हैं वो छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, है ना, या फिर कहीं पर पॉन्स मीन्स जो है झपट्टा मारकर दोस्ती करना चाहते हैं। बट स्टिल वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, बट हम भी उन्हें कभी भी जो है डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। लिजार्ड, स्क्वेरल, माउस, डियर, ऑब्वियसली ये सारे जो है शाय नेचर के हैं, है ना, हमें देखकर तुरंत भाग जाते हैं। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली, कुछ जो है बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले डॉग का नेम आता है, फिर कैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, है ना, ये सभी फ्रेंडली बिहेवियर के एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स लाइव इन जंगल, कुछ जो हैं जंगल में रहते हैं, क्योंकि वो जो हैं किसी भी व्यक्ति से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम उनके पास में जाएंगे जंगली जीवों के, तो हो सकता है वो हम पर हमला भी करें। अब बात करते हैं हेल्पफुलनेस की, मीन्स आपस में वो एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा, पर जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल, कैसे, वाटर डिकॉप्स ई इंसेक्ट विच अदरवाइज बॉदर क्रोकोडाइल। जब क्रोकोडाइल बैठा रहता है तो आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल के मुंह में छोटी छोटी जो बर्ड है, वाटर डिकॉप्स जो हैं, है ना, ये एक प्रकार है चिड़ियाओं का, तो वो आती हैं और उसके जो दांत हैं उसमें से फंसा हुआ खाना जो है उसको निकाल देती हैं। इस तरीके से वो अपना पेट भी भर लेती हैं। ग्रेट एंड ऑक्सपिकर्स सिट ऑन काउज बफेलोज, यहाँ पर आप देखते हैं पिक्चर में भी शो करा है कि यहाँ पर आप काउज और बफेलो, आपने बहुत टाइम डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा कि जो है राइनो हैं, काउज जो हैं, बफेलोज जो हैं, उनके ऊपर जो है कुछ बर्ड्स बैठी रहती हैं, ग्रेट और ऑक्सपिकस जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, है ना, और जो पिस्सू जिसको फ्लीस कहते हैं वो उनकी बॉडी से जो चिपके रहते हैं उनको वो खाकर उनकी जो बॉडी है उसको साफ करती हैं, है ना, इस तरीके से वो अपना भी पेट भर लेती हैं। द क्रोकोडाइल लीज विथ इट्स माउथ ओपन, द प्लोअर्स फीज ऑन द बीट्स ऑफ फूड स्टक इन द क्रोकोडाइल टीथ। द क्रोकोडाइल डज नॉट ईट द प्लोअर्स, द प्लोअर्स गेट्स फूड एंड द क्रोकोडाइल गेट्स इट्स टीथ क्लीन। हमने देखा है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, कि जो क्रोकोडाइल है वो अपना माउथ जो है ओपन करके रखता है, और जो छोटे छोटे जो चिड़ियाएँ रहती हैं वो जाकर जो बचा हुआ खाना जो दांतों के बीच फंसा रहता है उनसे अपना पेट भर लेती हैं, और इस तरीके से जो क्रोकोडाइल है उसके टीथ क्लीन हो जाते हैं और जो उनका जो है पेट भी भर जाता है। अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड रिमोरा राइड ऑन द टॉप ऑफ टर्टल, यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं कि रिमोरा नाम की एक जो
फिश होती है वो टर्टल के ऊपर ऐसे चिपकी रहती है, और यहाँ पर टर्टल जो है होस्ट रहता है, और इससे जो जो बॉडी जो चिपकी रहती है उसकी, और यहाँ पर वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे जो जीव हैं पैरासाइट्स जो हैं टर्टल की बॉडी पे, उसको अपना आहार बनाती है। बर्ड्स एंड मंकी वार्न डियर ज़ेब्रास ऑफ द कमिंग डेंजर बाय डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर बर्ड और मंकीज जो है जंगल में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई खतरा होता है, तो वो अपने जो साथी हैं जंगली जीव उनको जो है अलग अलग साउंड निकाल कर वार्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स हेल्प ह्यूमन। अब हमने यहाँ पर पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं वो लोगों की, पर्संस की, ह्यूमन बीइंग की कैसे मदद करते हैं। एनिमल्स हेल्प ह्यूमन इन मेनी वे। एनिमल्स हेल्प फर्टिलाइज प्लांट्स, है ना, फर्टिलाइज करते हैं वो प्लांट्स को। दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन एंड कीप इकोसिस्टम इन बैलेंस। भाई इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं एनिमल, जो छोटा एनिमल है वो बड़े एनिमल को खा रहा है, उससे बड़ा जो है वो उसको खा रहा है, तो ये एक प्रकार की फूड चेन बनाते हैं जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहता है। दे सर्व एज कंपेनियन एनिमल्स लाइक हेल्पिंग रिड्यूस डिप्रेशन लोनलेस। अब हमको ये पता है कि जब एनिमल हम रखते हैं घर में, कोई हमारा पेट एनिमल होता है, तो हम उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं जिससे हम अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं, है ना, और वो हमारा एक साथी बन जाता है। तो इस टाइप से जो है एनिमल्स हमारी कई प्रकार से मदद करते हैं। सम एनिमल्स आर वर्किंग एनिमल्स, कुछ जो है हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे हॉर्स है, काउज हैं, है ना, बॉम्ब और ड्रग स्नीफर्स डॉग्स होते हैं जो सूंघ कर बॉम्ब या ड्रग्स का पता लगाते हैं, है ना, ऐसे जो डॉग्स हैं वो ट्रेंड होते हैं। सील्स एंड डॉल्फिन ट्रेंड बाय द नेवी ऑफ फॉर सिक्योरिटी, है ना, डॉल्फिन्स को ट्रेन करा जाता है कि वो जो है जल सेना जिसको बोलते हैं हम, है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी करें, गार्ड करें। सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स सर्च करते हैं, बचाव कार्य करते हैं डॉग्स। एलिफेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। दे सर्व प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन। आप सभी को पता है कि एनिमल्स के थ्रू हमको जो है खाना भी मिलता है। एनिमल्स आर नॉट जस्ट एनिमल्स, दे आर हियर फॉर अ पर्पस एंड दैट इज टू हेल्प अस एंड दैट इज व्हाई वी नीड आल्सो टू गिव देम वैल्यू, है ना। अब आपको समझ में आया कि जानवर केवल जानवर ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पर्पस से हमारे साथ में रहता है, और हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि वो हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स।